एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम इविद्याति जॉर्ज इन। आज हम अपनी बिहाइव का 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है द बॉन्ड ऑफ लव। सो यहाँ पे जो लव दिखाया गया, द बॉन्ड ऑफ लव जिसकी बात हो रही है, वो एक ह्यूमन और एक पेट के बीच में। अभी तक आपने जितने भी पेट सुने होंगे, यूजली डॉग हो गया या किसी के पास कैट होती है एज अ पेट या पैरट्स होते हैं। सो यहाँ पे इस स्टोरी के अंदर जिस पेट की बात हो रही है वो एक स्लॉथ बियर है। सो जो इस स्टोरी का राइटर है ये उसकी वाइफ और उस जो बियर था उसके बीच के बॉन्ड को बताया गया। अब वो बियर उनके घर तक कैसे पहुंचा इसके पीछे भी एक स्टोरी है। बेसिकली ये जो बियर है ये इसकी वाइफ को, राइटर की वाइफ को राइटर ने ही गिफ्ट किया था, बट उसके पीछे की स्टोरी ये है। राइटर बताते हैं 2 साल पहले वो एक बार एक शुगर केन के फील्ड की तरफ गए थे एंड वहां पे जो वाइल्ड पिग्स हैं लोग उन्हें शूट कर रहे थे। कुछ भाग पा रहे थे, कुछ शूट होके वहीं पे मर रहे थे। तो वो बताते हैं थोड़ी देर बाद जब सब शांत हो गया तो हमें लगा शायद अब सब बंद हो गए, तो वहां से जब निकलने लगे तो एक जो बियर है वो स्लॉथ बियर भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। अब जो वहां पे उनके फ्रेंड्स है वो कहते हैं वैसे तो अगर मैं होता उसकी जगह तो मैं बिना रीजन किसी को नहीं मारता, लेकिन मेरे फ्रेंड ने ऐसा नहीं सोचा और उसने उसको शूट कर दिया। जैसे ही उसने उसको शूट किया तो वो जो बियर था वो वहीं पे ही गिर गया ऑन द स्पॉट और मर गया। अब जैसे ही वो मरता है तो वो क्या बेसिकली होती है, मदर बियर होती है एंड उसकी पीछे से एक छोटा सा बियर निकल के आता है जो उनके ऊपर कटल कर रहा होता है, उनके ऊपर चढ़ रहा होता है, नीचे आसपास उनके घूम रहा होता है और रो रहा होता है। अब जब राइटर ये सब देखता है तो राइटर को बहुत बुरा लगता है और वो सोचते है कि मैं इस बियर को अपने साथ लेके जाता हूं, पर जैसे ही वो उसके पास जाते हैं उसको पकड़ने के लिए तो वो बियर भाग जाता है फील्ड की तरफ। अब लेकिन उसने सोच लिया था कि इसको ऐसे अकेला यहाँ छोड़ के जाने का फायदा नहीं है, बहुत छोटा है ये, तो मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। तो वो उसको पीछा करते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बियर एक दो बार उनको स्क्रैच भी करता है, बट देन फाइनली वो उसको पकड़ के एक जूट बैग के अंदर डाल लेते हैं और देन अपनी गाड़ी के ऊपर उन्हें उसे बांध के अच्छे से घर ले जाते हैं और अपनी वाइफ को एज अ प्रेजेंट वो उसको दे देते हैं। वो बताते हैं कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी उस बियर को देख के, वो कभी उसके गले में रिबन्स डालती थी एंड जब उसे पता चला कि वो एक बॉय है, जो बियर है वो बॉय है, तो उन्होंने उसका नाम ब्रूनो रख दिया। अब वो बताते हैं कि वो उसको बॉटल से मिल्क पिलाती थी और धीरे धीरे जैसे ही ब्रूनो बड़ा हुआ तो उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। राइटर कहते हैं सब कुछ का मतलब उसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, उसे कुछ भी दे दो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कुछ भी उसको खाने की चीज दे लो वो खा लेता था। और यही हाल उसका ड्रिंक्स में था, उसको पीने के लिए आप मिल्क दे दो, वाटर, बटर मिल्क या इवन एल्कोहल्स, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी दे दो, वो सब बहुत खुशी खुशी खा भी लेता था। और वो बताते हैं कि जो वो बियर है वो बहुत जल्दी सबसे अटैच हो गया था, स्पेशली उसकी वाइफ से, उनके घर में 2 डॉग्स थे एंड उससे भी वो बहुत अच्छे से अटैच हो गया था, जो उनके टेनेंट्स मतलब जो उनके घर पे किराएदार रहते थे उनके बच्चों से भी वो काफी अटैच हो गया था और वो बहुत प्लेफुल नेचर का था, इधर उधर भागता रहता था। तो वो बताते थे वो छोटा था तो उसको बांध के नहीं रखते थे। अब वो बताते हैं कि एक बार एक इंसिडेंस हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें क्या था कि जो राइटर है उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के अंदर एक बॉटल में पॉइजन रखा हुआ था एंड अब वो जो बियर है वो तो इधर उधर भागता रहता था तो वो पॉइजन उसने पी लिया। वैसे बेसिकली वो पॉइजन रैट्स वगैरह को मारने के लिए होता है, तो जैसे ही वो बियर ने पी लिया तो वो उससे पैरालाइज हो गया एंड देन वो अपनी बॉडी को, ऑब्वियसली बियर काफी भारी होता है, तो अपनी बॉडी को रेंगता हुआ लेके गया राइटर की वाइफ तक। अब जैसे ही उसकी वाइफ ने उनको आवाज दी तो राइटर ने जैसे ही बियर को देखा तो वो समझ गए कि इसके साथ क्या हुआ है। उनके दिमाग में आ गया था कि शायद इसने वो जो मैंने पॉइजन रखा था वो पी लिया, उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहां पे वो राइटर इस चीज को समझ गए थे तो वो फटाफट जो डॉग्स के या फिर एनिमल के जो डॉक्टर होते हैं, वेट्स होते हैं, उनके पास उसको भागता हुआ लेकर गया। वहां पे जो डॉक्टर था उन्होंने अपनी जो बुक्स है मेडिकल की उसमें से पढ़ा, उनसे पूछा वो जो पॉइजन था वो बेरियम कार्बोनेट था, तो उसके बारे में सर्च किया और उन्होंने बताया हाँ इसकी वजह से ही वो पैरालाइज हो गया है एंड अब उसकी कंडीशन बताते हैं तो वो बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा होता है और उसकी बॉडी का ये पार्ट है वो काफी ज्यादा फूलने लगता है, सूजन आ जाती है, तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा उसका वो बॉडी का पार्ट फूल रहा था और उसको बहुत तेज तेज ब्रीथ कर रहा था, तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा
खराब थी, तो वहां पे डॉक्टर ने अपनी मेडिकल बुक्स में से कुछ पढ़ के दैनिक इंजेक्शन मंगवाया और उसको वो इंजेक्शन लगाया। वो इंजेक्शन लगाने के बाद भी 10 मिनट तक उन्होंने देखा कुछ भी इम्प्रूवमेंट उन्हें नहीं दिखी, कुछ भी अच्छे से वो रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा उन्होंने सेम वही डोज का इंजेक्शन एक और बार लगाया। अब 10 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी उसमें मूवमेंट थी, जो उसकी ब्रेथ थी वो थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। एंड देन आफ्टर फाइनली आफ्टर हाफ एन आवर वो बिल्कुल बियर ठीक हो गया, वो खड़ा हो गया। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि ये जो छोटा सा पॉइजन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। सो इस इंसिडेंस के बाद एक और बार सेम ऐसा इंसिडेंस होता है, बट उस वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता। तो बताती हैं कि उन्होंने एक जगह पे अपनी वो जैसे हमारे पास बाइक्स या कार्स व्हीकल होते हैं ना, तो उसी तरह की एक व्हीकल में से उन्होंने इंजन ऑयल निकाल के कलेक्ट करके रखा हुआ था टर्माइट्स के लिए। लेकिन वो इंजन ऑयल भी एक बार वो बियर पूरा पी गया था, लेकिन थैंकफुली उसको उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ रिएक्शन नहीं था, कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो वो बियर एकदम ठीक था। अब धीरे धीरे वो बियर काफी बड़ा हो रहा था, उनके जो जो दो डॉग्स थे वो उससे भी बड़ा, बिकॉज ऑब्वियसली बियर जो है आपने अगर देखा होगा इन पिक्चर्स में भी, तो उसकी बॉडी काफी हेवी सी होती है, काफी बड़ा सा वो होता है। तो वो इस तरह से ग्रो कर रहा था और उसकी वाइफ ने अब उसका नेम ब्रूनो से चेंज करके बाबा रख दिया था। बाबा बेसिकली एक हिंदी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल किट, तो इसलिए उन्होंने उसका नाम बाबा रख दिया था। तो वो धीरे धीरे काफी सारी ट्रिक्स करने लग गया था कि जैसे अगर उसको बोला जाए बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो वो क्या करता था, उसके सामने कोई भी अगर खड़ा होता था तो उसको पकड़ के जैसे हम रेसलिंग करते हैं ना, उस तरह से उसके साथ खेलने लगता था और उसको पटक देता था। इसी तरह से अगर वो बोले बाबा गन, तो वो क्या करता था, साथ में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा होता था, स्टम्प पड़ा होता था, तो उसको उठा के जो भी सामने होता उसकी तरफ पॉइंट कर देता था, इस तरह से कि जैसे उसके हाथ में गन है। और ऐसे अगर वो पूछते थे बाबा वेयर इज द बेबी, तो वो क्या करता था, एक छोटी छोटा सा वुडन ब्लॉक लेता था और उसको अपनी गोदी में उठा के ऐसे झुलाने लग जाता, जैसे कि वो उसका बेबी है और उसको झुला रहा है, और ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो उसको झूले झुला के सुला रहा है। अब धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा था, तो हम अब जो राइटर है और जो उसकी वाइफ है उसको उसे बांध के रखना पड़ा, बिकॉज वो काफी बड़ा हो गया था। लेकिन और साथ में जो उनके टेनेंट्स के जो बच्चे हैं उनकी वजह से उनको उसे बांध के रखना पड़ रहा था। और फिर धीरे धीरे जैसे वो ऑब्वियसली वैसे तो वो बहुत चेयरफुल था, बहुत प्लेफुल था, लेकिन उसकी हैवी साइज की वजह से और क्योंकि वो बियर था, बियर को माना जाता है वो इंसानों को भी खा सकता है, तो वो थोड़ा सा सबको लगता था कि डेंजरस है। तो जो राइटर है, जो उसकी वाइफ है, उनके जो बेटा था, उसने, उनकी फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, सबने ये एडवाइस किया कि आप माइसोर के एक जू में अब इसको दे दो, इसको घर पे रखना इतना सेफ नहीं है। पहले तो अब उनकी वाइफ इस चीज को नहीं मानती थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा उस बियर से अटैच थी और वो बिल्कुल इस चीज को नहीं मान रही थी। बट फाइनली कुछ टाइम बाद उन्होंने एग्री करा कि ठीक है हम इसे दे देंगे, इसका ये इसके लिए भी अच्छा है। सो फाइनली वो इस चीज के लिए मान गई। तो उन्होंने जू में एक जो इंचार्ज होते हैं उनको एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास एक पेट बियर है, क्या आप अपने जू में उस पेट बियर को रखना चाहोगे। तो आगे से उनका रिप्लाई आया कि हाँ हम लोग इंटरेस्टेड है, तो वो एक केज भेजते हैं एंड देन उस बियर को उस केज में डाल के वहां भेजा जाता है। अब उसके बाद जब वो वहां चला जाता है तो बाकी सब भी उसको बहुत मिस करते हैं, बट सब लोग रिलैक्स थे कि चलो कोई बात नहीं, नाउ ही इज एट अ बेटर प्लेस। लेकिन जो उसकी वाइफ थी राइडर की, वो बहुत ज्यादा पूरी कंडीशन में थी, मतलब वो काफी ज्यादा रोती रहती थी, वो बहुत ज्यादा अपसेट थी, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं थी, और कई दिनों तक तो उन्होंने खाना भी नहीं खाया। और वो काफी वहां पे जूम में लेटर्स लिखती रहती थी कि ब्रूनो की हालत कैसी है, या बाबा ठीक है या नहीं, और लेटर में वो भी आगे से रिप्लाई कर देते कि वो ठीक है लेकिन वो अभी खाना वाना नहीं खा रहा एंड काफी अपसेट भी है। तो यहाँ पे जो स्टोरी का जो आपका स्पेशल टॉपिक है, जो द बॉन्ड ऑफ लव, बेसिकली वो इसी बॉन्ड को बता रहे हैं कि जो यहाँ पे राइटर की वाइफ की हालत थी, सेम वही हालत वहां पे ब्रूनो की भी हो रही थी, जो उनका बाबा, जो उनका बियर था, वहां पे उसकी हालत भी वैसी ही हो रही थी। अब जब भी उनका वहां कोई भी फ्रेंड जाता था तो वो मेक श्योर करती थी कि प्लीज अगर आप उस साइड जा रहे हो, माइसोर जा रहे हो, तो आप वहां पे जू विजिट करना और देख के आना कि जो बाबा है वो किस कंडीशन में है। तो उनके फ्रेंड्स वगैरह बताते थे कि वो ठीक है बट पहले से काफी पतला हो गया है, और जो वहां के कीपर्स वगैरह है वो बताते हैं कि ये काफी डिप्रेस्ड और सैड रहता है। तो अब ऐसे टाइम कुछ निकलता रहा, देन फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स
जो राइटर की वाइफ है उसने ये जिद करी कि अब मुझे वहां पे माइसोर जाना है और मुझे ब्रूनो को बाबा को देखना है, एंड अगर आप मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। तो राइटर के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वो अपनी कार से उनको वहां तक लेके गए। अब उनके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह थे वो कहते थे कि अब इतना टाइम हो गया तुम्हें पहचानेगा भी नहीं, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही वो जो लेडी है, जो उसकी वाइफ है राइटर की, वो केज के पास पहुंचती है, ब्रूनो दूर से ही उनको देख लेता है और खुशी के मारे अपनी केज के अंदर ही उछलने लगता है, और जो उसकी वाइफ है वो भी भागती हुई जाती है एंड देन केज के अंदर से ही उसको पैक करती है, और उसके लिए फिर वो बहुत सारा खाने का सामान लेके गई थी, और वहां पे वो लिटरली 3 घंटे तक वहीं बैठी रहती है, उसको प्यार करती रहती है, उसको खाने को देती है, और जो भी वो खाने को लाई थी वो बियर सब कुछ खाता भी है। अब यहाँ पे अब जब वो इतना लेट हो गया 3 घंटे बाद, फाइनली जब जू का क्लोजिंग टाइम आया तो जो वहां के कीपर्स थे उन्होंने आके बोला कि अब आपको जाना पड़ेगा, और अब उसका बॉन्ड देख के जो कीपर्स वगैरह वो भी काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे थे, खुश हो रहे थे। पर जैसे ही जाने को बोला गया तो उसकी जो वाइफ है और जो बियर है वो दोनों ही काफी ज्यादा रोने लग जाते हैं, और उनको देख के सबको बुरा लगता है, खासकर जो वहां के कीपर्स वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं सॉफ्ट फील करते हैं, बहुत ज्यादा सैड डिप्रेस फील करते हैं उन दोनों को देख के। अब राइटर कहते हैं कि मुझे पता था आगे क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला था, उसे पता था कि उसकी वाइफ जिद करेगी कि हम बियर को वापस घर लेके जाएंगे, मैं इसके बिना घर नहीं जाऊंगी, और ऐसा ही होता है। उसकी वाइफ बोलती है कि मैं इसको यहाँ पे छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं इसको अपने साथ घर लेके जाऊंगी। तो वो क्या करती है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप ये पेट हमारा वापस कर दो, हमें इसे नहीं रखना। लेकिन अब जो वहां का इंचार्ज होता है वो साफ साफ मना कर देता है, वो बोलता है कि अब ये जो है ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये जू की प्रॉपर्टी है, तो हम आप इसको आपको नहीं दे सकते। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो बोलते हैं कि देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जो बॉस है मतलब जो बैंगलोर के सुपरिंटेंडेंट है, अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं तो आप इसे ले जा सकते हो। तो अब वो क्या करते हैं, माइसोर से वो बैंगलोर के जो सुपरिंटेंडेंट है उसके बंगला जो भी उसका बंगलो होता है वहां पे जाते हैं, और उनसे काफी रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ब्रूनो उसके बाबा के बिना नहीं रह सकती, प्लीज आप हमें उसे वापस दे दीजिए, ऐसे करके उनको सारी बात बताते हैं। एंड अब जो वो सुपरिंटेंडेंट होते हैं वो काफी काइंड हार्टेड होते हैं, तो वो इस चीज के लिए मान जाता है और कहते हैं ठीक है आप ले सकते हो, और साथ में एक लेटर भी लिख देता है जू के इंचार्ज के लिए कि इनको एक केज प्रोवाइड करो ताकि ये सेफली उसको ले जा सके। देन वो लेटर लेके दोबारा माइसोर जाते हैं एंड वहां जू का जो इंचार्ज है उसको देते हैं, एंड फाइनली उनको वो वापस मिल जाता है। लेकिन अब जब वो घर जाते हैं, घर पहुंचते हैं, तो अब जो राइटर है वो क्या करता है, एक कूलीज की एक टीम कलेक्ट करता है, उनको बुलाता है, और वहां पे वो जो उनका कंपाउंड था उसके अंदर वो एक आइलैंड सा बनाते हैं छोटा सा, और इस तरह से कि अब जैसे आइलैंड आपने देखा होगा आइलैंड के आसपास सारा पानी पानी होता है, लेकिन यहाँ जो वो आइलैंड बनाते हैं तो वो उसके आसपास सारे जैसे गड्ढा सा बना देते हैं, खाई सी बना देते हैं, वो इस तरह से बना देते हैं कि इस आइलैंड पे ब्रूनो रहेगा, और आसपास क्योंकि गड्ढा होगा तो ब्रूनो ना इधर जा सकेगा ना उधर जा सकेगा, तो वो किसी के लिए हार्मफुल भी नहीं होगा, वो उसी आइलैंड पे रहेगा। तो इस तरह से वो पूरी कंस्ट्रक्शन कराते हैं, देन वहां पे जो बड़ा सा वुडन केज टाइप कह लो या वुडन बॉक्स टाइप कह लो वो रखवाते हैं ताकि वो बाबा उसमें सो सके, एंड वहां पे जो भी वो स्टिक्स थे या जो भी वो सब खिलौने वगैरह उसके थे तो वो सब उसको वहां पे रखते हैं। वो देखते जैसे ही वो बाबा उनको देखता है कि वो वुडन स्टैम्प स्टॉप वगैरह है तो वो उसको उठा के फिर से झुलाने लगते हैं, मतलब उसे वो सब चीजें याद थी जैसे जैसे वो यहाँ पे करता था, तो वो ये सब करता है। एंड देन उसके बाद फाइनली जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो ब्रूनो को बाबा को उसमें केज में से निकाल के वहां पे बिठा दिया जाता है। अब बात आती है कि उसकी जो वाइफ है वो कहते दिन में घंटों वहां पे उसके साथ बाबा के साथ बैठी रहती थी, और डायरेक्टर कहते कि अब वहां से अपने घर से वहां तक वो आइलैंड तक कंपाउंड के आइलैंड तक जाने का जो उसका ट्रिक था वो बहुत अच्छा था। वो कैसे थे बिकॉज चारों तरफ तो पिट है, तो उन्होंने क्या किया वहां पे एक उनका मैंगो ट्री था जिसपे उन्होंने एक रोप बांध दी एंड उस रस्सी के नीचे उन्होंने एक लूप बांध दी, तो वो वाइफ उसकी क्या करती थी लूप में एक पैर रखती थी और जोर से किक कर दी थी जिससे कि वो अब वो रस्सी घूमने शुरू होती है, और जैसे ही वो वहां पहुंचती है तो टाप के वहां आइलैंड पे पहुंच जाती थी और दोबारा रिटर्न भी वो ऐसे ही करती थी। तो अब ब्रूनो भी बाबा भी बहुत खुश था और उसकी वाइफ भी बहुत खुश थी। तो फाइनली हमें स्टोरी में दिखाया गया है कि एक पेट भी जो होता है
एक बियर के अंदर कितनी फीलिंग्स थी, वो कितनी उसे चीजें, उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग थी और कितना उन दोनों का जो बॉन्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, इसके जो इंसिडेंट्स है वो आपको क्लियर हो गए होंगे एंड क्वेश्चन आंसर आप अटेम्प्ट आराम से कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।